जय जय मानना देवी। ता चुके हैं कन्या ब्लॉग के साथ वापिस। 3 दिन से ब्लॉगिंग नहीं की थी मैंने, 3 दिन से काफी ज्यादा बारिश आ रही थी। यह है मेरी सिस्टर लवप्रीत। हाय बेटू। तो अभी हमारी मॉम लोग इधर ही आई थी, कुछ तोड़ने आई थी। क्या कर रहे हैं? हरी बाजी तोड़ रहे हैं। और इधर हम देख रहे हैं अभी एक कोई आम पका हो तो तोड़ के लाना, एक मस्त वाला पका। मैंने दाब रखा है उसमें, दवा रखा है। कच्चे भी काफी मीठे हैं ये। मोम भी आ चुकी है तोड़कर हरी भाजी। ये होती है हरी भाजी, इसकी बनती है सब्जी। सब्जी को नहीं, दाल डाल के काफी टेस्टी लगती है दोस्तों। 3 दिन से लगातार बारिश हुई थी, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई बारिश। घर से बाहर निकलने का मौका भी नहीं दिया थोड़ा सा भी। जैसे कि आपने हमारे पुराने ब्लॉग देखे हो तो आपको पता होगा, यहाँ हम एक गोदाम बना रहे हैं। तो ये रहे उसके पाइप जो लगेंगे यहाँ पर इन खड्डों में, उनकी वेल्डिंग करवा रहे थे आज हम। और मेरा छोटा भाई और सिस्टर्स अभी तोड़ रहे हैं गुलाब, सॉरी गुलाब जामुन नहीं, ओनली जामुन। दिखाना जामुन कैसे होते हैं। जामुन ऐसे होते हैं और ये काफी टेस्टी होते हैं। और ऊपर एक चढ़ा हुआ है छिछोरा। हाय करना छिछोरे। हाय भाई। हाँ ये तोड़ के दे रहा है अपने को जामुन। पन्नी लेके आओ एक, उसको पन्नी दे दो। अरे मेरी बुत्ती क्या लग रहे ना धो लिया अगर कभी तो नहलाया अगर इसको। बैठी बैठी कुछ काम नहीं करती बस खाने के अलावा। काट लेने वाला था इसको छोटे को, काटा तो नहीं है, बच गया। वाड़ लेने लगा ही निकल जगदीप। गुरपाल फिर से जा रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, लेके जा रहा हूँ पन्नी पन्नी लेने आया था। देखो नीचे देखो, बेचारे को फिर से कितना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सबसे गंदी सिस्टर मेरी कौन है? वो ये रही जिससे बिल्कुल भी नहीं बनती मेरी, ये वाली सिस्टर से मेरी 1% भी नहीं बनती। हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। जैसे कि ये देखो काटा भागे भी। इससे भी नहीं बनती मेरी। हम दोनों की बन जाती है क्योंकि हम बड़े बड़े हैं ना, समझदार है इसलिए। बेटा आप गिर जाओगे। हमारा पहलवान भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वाह यहाँ पर तो मैं कपड़े भी खुद के नहीं पहन रहा, कपड़े भी देखो मैंने चाचू के पहन रखे। जामुनों की बारिश। ओहो बारिश हो रही है जामुनों की। देखो कंजर खाना थोड़ा। अब बारिश बंद हो चुकी है जामुनों की, शुरुआत में काफी ज्यादा हुई। बैठ के सुकून से खाते हैं इन जामुनों को, देखो कितनी मेहनत से तोड़ने पड़ते हैं ये भी, और फिर सुकून से बैठ के कहीं खाने को मिलते हैं। कुआं आपके पास चल के नहीं आएगा, अगर आपको पानी पीना है तो आपको कुएं के पास चल के जाना पड़ेगा। ऐसे इनका सिस्टम है, तोड़ो फिर खाओ, है ना। इस भाई ने बहुत मेहनत की है तोड़ने में, बहुत मेहनती राउंड आया, ऊपर तक चढ़ गया था पूरा टॉप तक। मर गया। लहसुन सॉरी ये तो प्याज है, प्याज और लहसुन और मिर्ची को किया जा रहा है कट सब्जी में डालने के लिए। आज वो क्या भाजी बनेगी, साग जब भी मैं बोलते हैं हरियाणवी में भी साग बोलते हैं। बड़ा मामा काफ़ी टेस्टी लगती है गाइस, मुझे तो बाजरे की रोटी की कमी पड़ रही है भाई। मक्खन डाल। मम्मी ने दिल की बात बोल दी है। किसकी रोटी? मक्का बाजरा। हाँ और साथ में वो क्या बोलते हैं, मक्खन, है ना। खाई है तूने कभी? हाँ तूने तो बहुत खाई है, हम दोनों ने तो बहुत खाई है। जो अभी न्यू जनरेशन पैदा हुई है ना, ये नूर खुशी जगदीप वगैरह, इनने नहीं अभी टेस्ट नहीं किया इतना, हमने बहुत कुछ टेस्ट किया है दोनों ने। हम ओल्ड है ना इसलिए। कमेंट द डांस नेम।
कौन सा डांस है ये? समझ रहे हो ना? ऐसा लगता है मैं इनके साथ थोड़े दिन और रह लिया तो मैं भी इनकी तरह उद्यमी हो जाऊंगा। ये हैं अपने बालकिशन भाई, आज इनने काफी ज्यादा मेहनत की है गोदाम बनवाने में, है ना? देखो भाई कितना, मतलब देख भाई की हालत देख सकते हो, पूरा गंदा हो चुका था, यहीं कपड़े धो रहा है, है ना? कैसा रहा आज का सफर, सिस्टम जो भी है? क्या आपने गुटखा खा रखा है? तभी बोलूं कि बोलने में वजन क्यों आ रहा है इन्हें, क्योंकि वो गुटखा खा लेते हैं ना तो एक एक जो शब्द है वो गोल्डन हो जाता है इनका, गोल्डन वर्ड्स जो कि मुंह में से नहीं निकलते, छोटी मोटी बात की है। समझ सकता हूँ। ये देखिए इनका। वाह नाइस, आशी पता नहीं क्या लिख रखा है, बालू आशी क्या भाई, अपना लौंडा बहुत बड़ा वाला है। देखिए बाल सफ़ेद हो चुके हैं पर जोश नहीं गया अभी, जवानी का है, सिस्टम है भाई। गोदाम का जो आज वेल्डिंग का काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है, मस्त वेल्डिंग वगैरह करवा दिया सारे में, और ये पाइप्स को भी खड़ा कर दिया यहाँ पर। बस रह रही है तो वो है एक चीज़ जो कि है टीन सेट और करवाने वाला बाकी है यहाँ पर। नाइस, ये लाइट तो मेरी आंखों में चुभ रही है बहुत बुरी वाली, जलन महसूस लग गई दूर से। मत जाओ उधर, मेरे साथ चलो। आ चुकी है अपनी सरसों की भाजी और साथ में है मक्खन और गरम गरम रोटी है साथ में।